आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बरसात के मौसम में अधिकतर मरीज अपने ऑपरेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि मरीजों को लगता है कि बरसात के मौसम में ऑपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। परंतु आज अत्याधुनिक तकनीक होने से अब किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। अभी इस टाइम में डेंगू के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। डेंगू के पेशेंट में हमको सर्जरी करने में प्रॉब्लम होता है, हमको देखना पड़ता है डेंगू में अगर प्लेटलेट वगैरह कुछ कम है तो उसमें सर्जरी करने में दिक्कत आती है, क्योंकि क्या जो प्लेटलेट जो थक्का जमाने का ब्लड को रोकने का काम करती है। अगर प्लेटलेट कम है और हमने उसमें सर्जरी कर दी तो जो भी हमने इंसीजन लगाया है तो उसमें ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो सर्जरी में जो हमारे इलेक्टिव केस हैं उसमें भी हमको देखना पड़ा कि डेंगू के लक्षण तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो उसके लिए हमको फिर अगर डेंगू है तो डेंगू को पहले सही करके उसके बाद में फिर सर्जरी करते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के सर्जन डॉक्टर जेपी एस शाक्या ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा लोगों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद मरीजों को इन्फेक्शन नहीं होता है। ये बरसात के मौसम को जो पुराने टाइम की बात थी, अब इस टाइम इतने एंटीबायोटिक आ गए हैं, फ्लू आ गया, तो इसमें इस टाइम इतनी दिक्कत नहीं आती है। और पहले से सर्जरी चेंज भी हो गई है, तो उसमें क्या है कि अभी पहले जैसा इंसीजन लगता था ब्रॉड इंसीजन देते थे, अब इस टाइम छोटा इंसीजन लेप्रोस्कोपी से शुरू हो गया है, तो इन्फीजन छोटा लग रहा है तो छोटा वो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस भी थोड़ा कम रहते हैं। तो उसमें अगर डेंगू हो गया तो उसके लिए हम देखेंगे प्लेटलेट वगैरह कितना कम है, डेंगू में भी वो किस टाइप का है। अगर डेंगू जो टाइप टू वाला होता है वो थोड़ा हेमरेजिक टाइप का जो होता है वो खतरनाक होता है, उसमें पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ पेशेंट को तो 10,000 पे प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ को 30-40,000 पे प्रॉब्लम हो सकती है। एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के सर्जन डॉक्टर जेपी एस शाक्या ने बताया कि अब मरीज किसी भी मौसम में अपने ऑपरेशन करा सकते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद मरीजों को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।